अंदर ही होगा सर, मैं पेपर देने 2 घंटे मैंने पेपर दिया, 1 मिनट सर, छानबीन करने का हमारा काम नहीं है वो आप लोग। मैंने 2 घंटे अंदर पेपर दिया, 2 घंटे में बंदा जा सकता है। पापा की आईसेट थोड़ी सी वीक है, नहीं वॉच किया उन्होंने, 2 घंटे में बंदा जा सकता है, 2 घंटे में बंदा जा सकता है। तो दीदी की पूरी है, दीदी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पेपर दे दिया, हमारे जैसी लड़कियां होती हम पेपर ही नहीं दिया। मैं अपनी वजह से क्योंकि बंदा आया है, दूर से आया है, वो यहाँ पर पेपर देने आया है। नमस्कार, इस वक्त मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव पर हूँ। यहाँ पर ये परीक्षा का सेंटर था, यहाँ पर कुछ ये महिला अभ्यर्थी हैं, इनके साथ कुछ बात हुआ है क्या? कुछ मामला मैडम मैं जानना चाहूँगा, उतनी देर से मैं आपको देख रहा हूँ। आप प्रशासन से कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी जी, आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सती सिंह है, मैं लखनऊ से आई हूँ पेपर देने। आइए सर, उनको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है जी। पहले तो बताइए, अपना नाम बताइए मैडम। सर मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं लखनऊ से यहाँ यूपी पुलिस का पेपर देने आई हूँ, और मेरे फादर के साथ इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव में मिसबिहेव हुआ। एक बंदा आया जो कि यहाँ ड्यूटी कर रहा था, मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी की, सेकंड शिफ्ट में भी उसकी थी, बट इन्होंने क्या किया, उस बंदे को ना तो बाहर आने दिया, ना ही उससे ये कहा कि यहाँ पे आके उस बंदे से माफी। मेरे फादर हैं ये, इनके साथ उन्होंने हाथ पकड़ के लेके गए हैं अंदर और बोल रहे हैं, मतलब हाथ पकड़ के इनको लात मारी है, वो गिरे हैं, तो उनके पैर देख लीजिए, झूठ नहीं बोला जा रहा है। पैर वो बंदा ब्लैक करके पूरे ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में था, उसकी मूछें थी बड़ी बड़ी, गोरा था, लंबा था, और उसने इनके साथ मिसबिहेव किया, और वो बंदा भी ड्रिंक किया हुआ था। बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी थी, 2-4 लड़कियों ने मुझसे खुद कहा वो ड्रिंक था। तो ये चीज़ प्रशासन ने नहीं देखी, बस ये देख लिया इनके साथ मिसबिहेव हुआ है, ठीक है, मैं जानकारी, अब वो बंदा चला गया, मैं यहाँ बैठी रहूँगी कब? अब स्कूल से बाहर नहीं निकला, मैं दो पेपर देने चली गई, 2 घंटे मैं वहाँ पेपर दिया, उसके बीच में चला गया होगा वो बंदा, मैं जानती हूँ। ये स्कूल प्रशासन का ही सब कुछ है। सर भी अंदर थे, जितने पुलिस वाले क्या कर रहे थे अंदर थे, कुछ वहाँ थे, किसी ने देखा? कुछ नहीं देखा, मैंने पूछा, हमें तो पता ही नहीं है ये व्यवस्था की गई है। अब बंदे ने इससे क्या बोला था कि गार्जियन पिताजी कहना चाहते हैं क्या व्यवस्था क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि गार्जियन आया है, गार्जियन को जबरदस्ती ले जा करके अंदर स्कूल में हमारी बेइज्जती करी, लाते मारे और ऊंचा मारे, और हमें अब आपके साथ मारपीट की गई है, मारपीट हो गई मेरे पास, मुझे अंदर ले गया लेवा के, मैं इनकी कोई बात होगी इसलिए लेवा जा रहा है, दारू पिए हुए था वो, इन्होंने ड्यूटी कैसे लगा दी उसकी? ये पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इनके साथ मारपीट किया गया है, ये पीछे आप इनके पीठ पर दे सकते हैं, जूते का निशान भी बना हुआ है। ये इतने कहां से सर आए आप? लखनऊ से आए? लखनऊ से आए। ये बताइए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, यहाँ पर प्रशासन की इस वक्त गाड़ी आ चुकी है, और ये यहाँ पर अंदर ऑफिस में क्या हुआ? CCTV लगा है लेकिन दिखाने से मना कर रहे हैं। कौन दिखाने से मना कर रहा है? ऑफिस में लगा होगा, जाहिर बात है, प्रिंसिपल ऑफिस में CCTV होता है, सबके में होता है, दिखवाएं। प्रिंसिपल बाहर नहीं आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर बाहर नहीं आ रहे हैं, वो कॉपीज कलेक्ट कर रहे हैं, मैं वेट करूंगी प्रिंसिपल सर का। आपने उनको कंप्लेन किया? आपने प्रिंसिपल सर को? सर बोल रहे हैं, मैंने बोल दिया है, वो आएगा बंदा, देखेंगे हम, चेकिंग करेंगे, कल आपको बताएंगे जी। कल बताएंगे, मैं लखनऊ से आई हूँ, मैं कल तक का यहाँ वेट करूंगी। ठीक है जी मैडम, ये अभी प्रशासन की गाड़ी आ चुकी है, ये यहाँ पर अभी सर SDM सर आए हैं, उनसे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जो जा रहे हैं, देखिए किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला इनके साथ मिसबिहेव हुआ, ये प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अभी नहीं गए, उसमें वो गाड़ी वहीं पर लगी है, अभी जो वो बंदा यहाँ आएगा, माफी मांगेगा, तब यहाँ से स्वाति सिंह हिलेगी, वरना नहीं जाएगी, ना ये जाएंगे, ना ही स्कूल से प्रिंसिपल जाएंगे। बस एक तरफ प्रशासन खड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये महिला अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी यहाँ की, गार्जियन की बेइज्जती है ये। अगर किसी गार्जियन ने अगर बोल दिया अपनी मन, 2 घंटे आदमी कैसे काटेगा? बातचीत करके ना आसपास के लोगों से, बंदे ने बोला अनपढ़ जाहिल गवार बता रहे हैं, सचिवालय में नौकरी करता है बंदा, गवार है वो, अंदर वो ले जाए, अंदर क्यों लेके गया? इसीलिए लेके गया। अभी वो बंदा कहाँ पे है? वो बंदा अंदर, सर मुझे नहीं पता, मैं 2 घंटे पेपर दी हूँ, चला गया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनसे कहिए जितने लोगों की एजेंट में ड्यूटी थी, जो टीचर था उनको बुलाइए, और यहाँ पर उस बंदे को भी बुलाइए, सबको बुलाइए। बिल्कुल सही है, अभी मजिस्ट्रेट सर आए हैं, उनसे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए अपनी। जी मैडम, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? अभी मजिस्ट्रेट सर आए हैं, उनसे आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, जो भी कार्रवाई होगी
वो की जाएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जी ये सारी ड्यूटीज कौन लगाता है कॉलेज में? या तो कॉलेज के लोग या प्रिंसिपल। ठीक है, वो एजेंट की नौकरी कोई नहीं लगाता, जो चेकिंग करते हैं उनकी बाहर से ही लगती है। किसी को पसंद आ गया, हाँ भैया तुम भी कर लो। जो क्लासरूम में लगती है वो टीचर्स की लगती है, जो यहाँ एंट्री पे जो चेकिंग करते हैं उनकी नहीं लगती। वो बंदा ऑफिस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं 2 घंटे पेपर देने चली गई, वो आईसाइट वीक है उनकी थोड़ी, वो नहीं देखा। अब मैंने जब बोला मुझे अंदर जाने दीजिए देखने के लिए, तो मैडम ने मना कर दिया, आपको अंदर एंट्री नहीं है। वो बंदा अंदर कैसे चला गया? ठीक है जोकुब जी, अपना कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, और जो भी कार्रवाई होगी वो सर करेंगे। जैसा भी हो, मैं यहाँ पर भी बना हुआ हूँ। अरे मैम 2 घंटे बने रही हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव के पास हूँ। यहाँ पर ये महिला परीक्षार्थी, इनके साथ बदतमीजी हुआ था। अभी CEO मैडम उच्च अधिकारी यहाँ पर आए थे। क्या कुछ कहा गया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? मैडम ने ये बोला है हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप जो बोल रही हैं कि आप मुझे माफ़ी मांगिए या ये सब नहीं करवा सकती मैं, कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। मतलब वो बंदा, मतलब ये सही था उनके लिए कि उसने मारा। अब वो कार्रवाई करेंगी, मैं लखनऊ से यहाँ देखने आऊँगी कि वो कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब ये चाहते हैं कि मैं चुपचाप चली जाऊँ, हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, हम यहाँ स्कूल से वीडियो निकलवाएंगे, हम चेक करेंगे। मतलब मैं देखने आ रही हूँ कि लखनऊ से, कि यहाँ पे मेरी जो मैंने कंप्लेन की है या उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस मुझसे ये कहा गया है कि आप अपना जाइए, हम कार्रवाई इस पर करेंगे। मैडम ने हमसे ये बोला है, वो भी CEO हैं यहाँ की, पता नहीं नाम भी नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे मालूम है इसका कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चली जाऊँगी, कुछ नहीं होगा, कुछ होना भी नहीं है। और ये मेरे फादर के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी के और के साथ हो, इसलिए मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ का क्या होगा, शायद लखनऊ में होते शायद ऐसा नहीं होता। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़, दारू पीने वाले बंदे को इन्होंने कैसे ड्यूटी दे दी, वो बता रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि कैसे हुआ है उनके साथ। उन हमारे दिल पर, मैडम कह रही हैं मैं नहीं समझा सकती, तुम्हारा जो रवैया है वो कहीं जॉब करने लायक नहीं है। ये आप इतने एटीट्यूड में बात कर रही हैं, मतलब मेरे फादर की बात थी इसलिए, अगर खुद के फादर की बात होती तो वही मैडम आज बंदूक की नोक पे उस बंदे को यहाँ बुला लेती। तो CEO मैडम ने आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया है, अब आपको नहीं दिया है, वो आश्वासन ही रह जाएगा। क्यों? हम नहीं आ रहे ना देखने, ना कोई और आ रहा है देखने, पता नहीं क्या हो। अभी हमारे पास ये अंकल हैं, अंकल आप तो अंदर गए थे, अंकल आप अंदर गए थे, क्या मैडम ने कुछ बताया? मैडम ने ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम और जो है उनको जो है पनिशमेंट दिलवाएंगे, बस इतना कह दिया है। तो अभी जो आपके साथ हुआ है, जब उसको सजा मिले तभी आपको तसल्ली मिलेगा? सर ये पेपर में आना चाहिए, उसका नाम भी आना चाहिए और स्कूल के उससे भी आना चाहिए, जिससे संतुष्ट पूरे प्रदेश को मालूम हो कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।